जब भी बात होती है दुनिया के सबसे फेमस पेंटिंग की तो मोनालिसा का नाम सबसे पहले आता है एंड जिसके पेंटर है लियोनार्डो दा विंची। सो इस वीडियो में हम टॉप 10 पेंटिंग्स डिस्कस करेंगे अबाउट लियोनार्डो दा विंची। उससे पहले मैं उनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 में हुआ था टस्कैन हिल टाउन में ऑफ विंची। एज लियोनार्डो दा विंची का मतलब होता है लियोनार्डो ऑफ विंची, जहाँ उनका जन्म हुआ था, दैट इज़ द एरिया विंची। इट इज़ द टेरिटरी ऑफ द मेडिकी रूल रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस। इनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड मिनिमल, मतलब कि ज़ीरो है, एज उन्होंने यूनिवर्सिटी तो क्या कभी स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा था। जब आप उनकी पेंटिंग्स को एनालाइज करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कभी ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट जो कि पैशनेट थे साइंस के बारे में, और कभी आपको ऐसा लगेगा कि वो एक साइंटिस्ट है जो कि आर्ट के बारे में पैशनेट थे। ही वॉज अ बास्टर्ड सन, जिनकी पेंटिंग्स पर अभी तक सबसे ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं, एंड ही वॉज एन इंजीनियर, आर्किटेक्ट, स्कल्पचरिस्ट, पेंटर एंड अ म्यूजिशियन एज वेल एज एन एनाटॉमिस्ट। और इन सारे फील्ड पे उन्होंने महारत हासिल की, बस उनकी क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड से। जैसे मैंने उनका इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में ही बोला कि ही वॉज अ बास्टर्ड सन, तो बास्टर्ड को हम हिंदी में नाजायज बोलते हैं। एज उनकी मदर एक पीसेंट थी जिनका नाम था कैथरीन, एंड उनके फादर एक वेल्दी पर्सन थे ऑफ दैट एरिया। उनके फादर का नाम था पायरो फ्रूशीना डी एंटोनियो दा विंची, जिनकी पहले ही मल्टीपल शादी हो चुकी थी। वो एक वेल्दी मेसर थे उस एरिया के। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मोनालिसा के वजह से लियोनार्डो दा विंची बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो एक मास्टरपीस था, बट एक फ़न फैक्ट ये है कि लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा को कंप्लीट कभी मानते ही नहीं थे। इसलिए वो जहाँ भी जाते थे पब्लिक प्लेसेस पे, वो मोनालिसा की पेंटिंग को ले करके जाते थे, लोगों को दिखाते थे और उनकी फीडबैक लेते थे, और उन्हें जो नेसेसिटी चेंजेस करने रहते थे वो घर में आके उन चीज़ों को रेक्टिफाई किया करते थे अपनी पेंटिंग में। अब थोड़ी बात कर लेते हैं उनके करियर के बारे में। एज 14 ईयर्स की उम्र में उन्होंने थिएटर प्रोडक्शन ज्वाइन किया, जहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने सीखा कि एक छोटे स्टेज को लाइट एंड शैडो की हेल्प से कैसे बड़ा और गहरा दिखाया जा सकता है। वेरोशियो स्टूडियो में उन्होंने अपने 5 साल काम किया। 14 ईयर्स की उम्र में ही उन्होंने अप्रेंटिस ज्वाइन किया था विद अ फेमस आर्टिस्ट वेरोशियो, एंड जिनसे उन्होंने पेंटिंग, स्कल्पचर, बेसिक ऑफ मेटलर्जी, ड्राफ्टिंग, केमिस्ट्री, बॉटनी, कार्टोग्राफी एंड कारपेंट्री जैसी स्किल्स सीखी। रिसर्चर्स को उनकी एक नोटबुक मिली थी जिसमें 7200 पेजेस मिले थे, एंड उस नोटबुक से हमें बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड मैथमेटिक कैलकुलेशंस देखने मिलते हैं, डायग्राम्स मिलते हैं, उनके टू डू लिस्ट जो वो डेली लाइफ में लिखते थे वो उनमें लिखे हुए थे। उन्होंने हर एक पेज के कोने में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, बिकॉज वो पेपर का यूटिलाइजेशन सही से करना जानते थे, ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है कोलेबरेट करके वेरोशियो के साथ, जो कि है द बैप्टिस्ट ऑफ क्राइस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पेंटिंग जो कि 10th नंबर पे है, वो है पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन इन रेड चॉक, जिसे रिसर्चर्स बताते हैं कि वो पिकासो की सेल्फ पोर्ट्रेट है, जिसे उन्होंने 1512 में बनाया था विद रेड चॉक ऑन पेपर। फिलहाल तो ये अभी पब्लिक रिव्यू के लिए अवेलेबल नहीं है बिकॉज इसकी पुअर कंडीशन और फ्रेजिलिटी की वजह से। अगर आपको कभी भी, आप लोगों ने कभी भी नोटिस किया होगा, तो आप एनालाइज कर सकते हो कि लियोनार्डो दा विंची बहुत कम ही मेल पोर्ट्रेट्स बनाते थे या मेल को अपनी पेंटिंग्स में दिखाते थे। मेजॉरिटी वो फीमेल फिगर ही बनाते थे, जिसके वजह से ये एक छोटा सा कॉन्ट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है उनके बारे में। अब आते हैं हमारी 9th नंबर पेंटिंग पे, जो कि है द लास्ट सपर, जिसे 1490s में बनाया था उन्होंने फ्रॉम टेम्परा कलर विद द एप्लीकेशन ऑफ गेसो, एंड इसे एक चर्च में बनाया था उन्होंने जो कि है कॉन्वेंट ऑफ सेंट मैरिया डेला ग्रेजी मिलान इन इटली। इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं कि जीसस है वो अपने डिसाइपल्स के साथ डिनर कर रहे हैं, और उस टाइम उन्होंने प्रिडिक्शन किया कि उनमें से एक डिसाइपल उन्हें बिट्रे करेगा जिसके वजह से उनकी डेथ होगी, और ये सुन के जो रिएक्शन होता है उसे ही उन्होंने अपनी पेंटिंग में रिप्रेजेंट किया है। साइड में आप देख सकते हैं कि जूडस है,
और जूडस ने ही उन्हें बिट्रे किया होता है, और उसके हाथ में एक पैसे की पोटली है जो कि रिप्रेजेंट करती है उसकी ग्रीडीनेस। इस पेंटिंग की फन फैक्ट या कुछ इंटरेस्टिंग बात हम ये कह सकते हैं कि इस पेंटिंग में जूडस के हाथ के पास स्पिल्ड सॉल्ट है, जबकि इसे लास्ट सपर बोला गया है, तो यहाँ पे कोई भी कप्स या होली ग्रेल्स नहीं है जो कि जनरली डेथ के पहले वाले मील में ऑफर की जाती है। इस पेंटिंग को मल्टीपल टाइम्स रिस्टोर किया गया था, जैसे कि एक चर्च के वॉल पे बनी हुई है, तो जब भी वॉर होते थे तो इस पेंटिंग में कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शंस हो जाते थे, तो उनके जो डिसाइपल्स थे वो इस पेंटिंग को हर टाइम हर एक वॉर के बाद रिवाइव करते थे। अभी तक का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो यू कैन गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। जिनको भी इंटरेस्ट है ये सारे फैक्ट्स जानने में अबाउट आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़, एंड मेरे और भी वीडियोज़ हैं जो कि आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। 8 नंबर पेंटिंग है हमारी द विट्रूवियन मैन। ये एक पेंटिंग नहीं, एक्चुअली ये एक स्केच है, तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी मैं आपको बताती हूँ। 1st century BC में एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था विट्रूवियस, जिनकी थ्योरीज और प्रिंसिपल्स बहुत ही फेमस थे उस टाइम। तो उन्होंने एक थ्योरी डिराइव किया था जिसमें उनका मानना था कि ह्यूमन बींग जो है वो यूनिवर्स के बेस्ट क्रिएचर है, और उन्हें एक सर्कल और एक स्क्वायर के अंदर एडजस्ट किया जा सकता है, जिसमें सर्कल और स्क्वायर का एरिया जो है वो सेम रहे। सर्कल रिप्रेजेंट करता है डिविनिटी को और स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है गॉडली रिप्रेजेंटेशन को, जिससे वो कहना चाहते थे कि ह्यूमन बींग्स का एक डिवाइन स्टेटस होता है। 7th पेंटिंग है लेडी विद एन अरमाइन। अरमाइन एक नेवले की प्रजाति होती है जो कि इस पेंटिंग में बहुत ज़्यादा अलर्ट दिख रहा है, जो कि पीसफुलनेस का भी सिंबल होता है। ये पेंटिंग सेसिलिया गैलरीना की पोर्ट्रेट है जो कि उस टाइम की ड्यूक ऑफ मिलान की मिस्ट्रेस थी। इसे 1489 से 1490s के बीच में पेंट किया गया था फ्रॉम ऑयल कलर ऑन वुड पैनल, जिसे अभी नेशनल म्यूजियम इस क्राको पोलैंड में है लोकेटेड। लास्ट टाइम उसे 2006 में सेल किया गया था एट 100 million euros। हमारे 6th नंबर पेंटिंग है जिनेवरा डिबेंसल। इट इज़ अ पोर्ट्रेट पेंटिंग ऑफ फ्लोरेंटिन एरिस्टोक्रैट पेंटेड बिटवीन 1474 टू 1478 फ्रॉम ऑयल कलर ऑन पैनल। लोकेशन ऑफ दिस पेंटिंग इज इन नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वॉशिंगटन DC US एंड इट वॉज सोल्ड ऑन 55 million इन 1967। इस फिगर जो कि इस पेंटिंग में दिखाया गया है वो 45 डिग्री पे रोटेटेड है एंड उनके फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, एज वो शो करता है कि वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करने वाली लेडी है। 5th पेंटिंग इज वर्जिल ऑफ द रॉक्स। इट वॉज पेंटेड बिटवीन 1483 टू 1486 फ्रॉम ऑयल कलर ऑन पैनल एंड इट इज़ लोकेटेड इन लोअर पेरिस फ्रांस। इसके कैरेक्टर्स है मेडोना एंड द चाइल्ड जीसस बिसाइड जॉन द बैप्टिस्ट एंड एन एंजल जिसका नाम है यूरियल। लियोनार्डो ने इसे एक और आइडेंटिकल पेंटिंग बनाई हुई है जो कि अभी नेशनल गैलरी लंदन में रखी हुई है, एंड इस पेंटिंग में अलग बात ये है कि जीसस के सिर के पीछे उन्होंने हेलो नहीं बनाया है। हेलो जो कि एक लाइट होती है विच रिप्रेजेंट करता है डिवाइन स्पिरिट को। नेक्स्ट पेंटिंग है हमारी मोनालिसा। यही वो पेंटिंग है जिसपे दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है, लिखा गया है और सबसे ज़्यादा रिसर्च किए जाने वाली पेंटिंग। इसे फ्रंट एंगल के पोज में बनाया गया है और जिसमें मोनालिसा जो इसकी मेन फिगर है वो हल्की सी स्माइल दे रही है। जैसे हम आजकल के कैमराज में देखते हैं कि इसमें एक पोर्ट्रेट मोड होता है जिसमें फेस पे फोकस किया जाता है एंड बैकग्राउंड ब्लर हो जाती है। इस टेक्निक को सोमैटो टेक्निक कहते हैं और इसी प्रोसीजर का यूज़ करके उन्होंने मोनालिसा को बनाया है। सोमैटो का मीनिंग होता है वैनिश और इवोपरेट। इसमें कलर्स की ब्लेंडिंग होती है इन अ स्मोकी मैनर वेयर द ब्रश स्ट्रोक्स आर सो डेलिकेट एंड माइन्यूट जो कि विजिबल भी नहीं होते हैं हमारे नेकेड आइज से। नेक्स्ट पेंटिंग है वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन। ये एक अनफिनिश्ड ऑयल पेंटिंग है जो कि हाई रेनेसेंस आर्टिस्ट लियोनार्डो द विंची ने बनाया है।
इसमें वी कैन सी 4 कैरेक्टर्स, जिसमें पीछे सेंट एन है जिनके लैप पर बैठी हुई है वर्जिन मैरी, एंड उनके साथ में है इन्फेंट जीसस जिन्होंने सेक्रीफाइजिंग लैम्प को पकड़ा हुआ है। इससे ये सिंबलाइज होता है कि जीसस जो है वो सेवियर ऑफ ह्यूमन लाइफ बन कर के आए हैं, एंड उन्होंने बेबी लैम्प को सेक्रीफाइस कर दिया है टू सेव द होल ह्यूमन किंगडम। 1501 से 1519 के बीच में इसे बनाया गया था विथ ऑयल कलर ऑन वुड, एंड इट इज़ लोकेटेड एट लोवियर पैरिस, एंड द बैकग्राउंड इज ऑल्सो कलर्ड विद द टेक्निक ऑफ। सो द सेकेंड पेंटिंग इज सेंट जॉन द बैप्टिस्ट। ये एक हाई रेनेसेंस की पेंटिंग है ऑन वॉलनट वुड बाई लियोनार्डो द विंची इन लोवियर पैरिस। उन्होंने इसे 1513 से 1516 के बीच में पेंट किया था, एंड इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो एक शेडोई बैकग्राउंड से अपेयर हो रहे हैं, एंड ही इज़ ड्रेस्ड इन अ फरी अटायर एंड हैव लॉन्ग एंड कर्ली हेयर्स। उन्होंने एक रीड क्रॉस पकड़ा हुआ है अपने हाथों में, लेफ्ट हैंड में, एंड राइट हैंड वो अपवर्ड की ओर दिखा रहे हैं। सो द फर्स्ट पेंटिंग इन द लिस्ट इज़ सैल्वाडोर मुंडी, जिनका लैटिन मीनिंग होता है सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। इसे उन्होंने 1500 में कंप्लीट किया था। इसके सब्जेक्ट है जीसस, जो कि एक हाथ से ब्लेसिंग दे रहे हैं और अपने लेफ्ट हैंड से वो एक नॉन रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल को पकड़े हुए हैं जिसमें क्रॉस बना हुआ है। इसकी मीडियम है ऑयल कलर ऑन वॉलनट, विच इज़ करेंटली लोकेटेड एट लोवेयर अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये अब तक की दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है